जग है जगमगाया क्योंकि दीपावली का पर्व फिर से आया। वीकेबी की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर्व ही ऐसा है, वैसे देखा जाए तो देश हमारा त्योहारों से परिपूर्ण है, ऐसे कई त्योहार हैं लेकिन दीपावली का एक अलग महत्व है, एक अलग खास अवसर होता है और लोग जो हैं दीपावली की कई दिनों से तैयारी में लग जाते हैं। दीपावली में लक्ष्मी पूजन किस तरह किया जाए, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त इस बार किस तरह से है और आपके घर में किस तरह से लक्ष्मी का प्रवेश हो, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं पंडित हरिशंकर मिश्रा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, कहीं ना कहीं दीपावली के दिन हम हर कोई विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, दिन भर से तैयारी करते हैं और कई दिनों से हम तैयारी में लग जाते हैं कि दीपावली में किस तरह इस बार दीपावली को हम खास मनाएं। तो इस बार आप दीपावली को खास किस तरह मना सकते हैं और विधिवत पूजा अर्चना किस तरह की जा सकती है, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, दीपावली का जो पर्व है कई सदियों से मनाया जा रहा है, इसके पीछे की अगर हम कथा जाने कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। मेन जो है माँ भगवती लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई जी, समुद्र में जाता माने समुद्र के द्वारा जब मंथन हुआ, माँ लक्ष्मी जी 14 रत्नों में से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई जी। और लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने मन से नारायण को वरण किया। अब अर्थो कथा जो है ये तो लक्ष्मी की उत्पत्ति के हो गया कारण, फिर दूसरी कथा थी कि जो है राजा बलि जो पाताल के राजा थे जी, वह जो है अनन्य भक्त थे भगवान के, तो भगवान स्वयं जो है विठल रूप धारण करके, गाढ़ का रूप धारण करके, अच्छा, उन्होंने नारायण ने स्वयं जो है उनके सामने पहरा देते थे जी। ऐसा भगवान बोलते हैं, ना हम बसाम बैकुंठे, ना हम बसाम हृदय योगिना, ना मेरा जो है बैकुंठ में वास है, ना योगी के हृदय में रहता हूँ, जहाँ भक्त बुलाए वहाँ भगवान भक्त तत्परा। ऐसा जी। तो भगवान वहां पर पहरे देने लगे प्रेम के बस में जी। भगवान सिर्फ भाव के भूखे, भगवान को कुछ ना चाहिए, तो वहां पहरा दे रहे थे। तब जो है लक्ष्मी जी बड़ी चिंतायुक्त हुई, नारद जी आए, बोले माँ आप चिंतायुक्त क्यों हैं, क्या कारण है जी। बोले आप तो सब कारण जानते हो नारद, मुझे बताओ कहाँ मिलेंगे स्वामी जी। भगवान ने दिव्य दृष्टि के द्वारा नारायण जी ने और जो है माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि देखिए वो पाताल लोक में देखिए नारायण प्रभु जो है गार्ड बने हुए हैं, उन्हें को गार्ड बनने की क्या जरूरत है। तो भाई वो तो साक्षात जगत के मालिक जी। चीटी को भोजन देते हैं और हाथी को भोजन देते हैं जी। भगवान जो है नारायण और शंकर दोनों एक यज्ञ का जो है गुरु मानते हैं, रामेश्वरम रामेश्वरा जी, दोनों के आराध्य एक ही है जी। ऐसा जी। बस जो है लक्ष्मी जी बोले कि तुम ड्यूटी कर रहे हैं अब, हाँ। तो नारायण जी कैसे आएंगे जी, अब कुछ उपाय बताओ आप ही जी। नारद जी बोलते कि अभी जो है रक्षा बंधन पर्व आने वाला है, हाँ। और राजा बलि जी की बहन नहीं है, अतः आप जाइए और रक्षा बंधन का त्योहार पर्व राखी बांधिए, और राखी बांधने के पश्चात फिर उसमें कुछ नियम रहता है कि भाई जो है कुछ ना कुछ बहन को गिफ्ट स्वरूप जो है कुछ भेंट देते हैं, तो भेंट स्वरूप आप जो है कुछ नहीं उन्हीं को मांग लीजिएगा। माँ लक्ष्मी गई रक्षाबंधन त्योहार में राखी बांधा और बोलते हैं कि जो आपका जो काला काला जो गार्ड है भाई वह मुझे दे दो। अच्छा। जब इतना बोली तब जो है राजा बलि की आंखें खोली कि बताओ कि काले काले गार्ड में क्या खासियत है जो कि साक्षात लक्ष्मी माँ वह मांग रही हैं। ऐसा सुन करके जो है राजा बलि उन्होंने ध्यान लगाया और जो है देखिए तो नारायण साक्षात, अरे बड़े विनोद की भगवान की स्तुति की उन्होंने कि भगवान प्रभु आप इतने क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं जी, ऐसा। तब जो है वह बलि बोलते कि प्रभु मेरे पास जब मेरी इच्छा हो तब मेरे को दर्शन आप दीजिए और आप अपने धाम को जाइए। ऐसा जी। तब जो है नरक चतुर्थी के दिन जो है नरक चतुर्थी के दिन जो है वह भगवान माँ लक्ष्मी लेकर आई वैकुंठ धाम में, इसलिए लक्ष्मी का पर्व जो है वैकुंठ नरक चतुर्थी से मनाया जाता है। धनवंती पर्व है यह, जो धनवंती पर्व जो है यह धनतेरस का पर्व है जी। ऐसा बुराई पर अच्छाई की जीत रावण को मारकर राम जी ने हासिल की थी और जब वो लौटे थे तो अयोध्या को पूरे दीपों से सजा दिया गया था और इसी मौके पर दीपावली का जो त्योहार है वो मनाया गया था, ये कथा भी काफी प्रचलित है जी।
जी, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष में वनवास में गए, अनेकों प्रकार से आताताई आश्रमों को, राक्षसों का जो उन्होंने नमो नारायण किया, उन्हें जो है स्वर्ग धाम से धारे और विप्रधीन संत हित लीन मनोज अवतार। जब जब ऐसी आश्रमिक प्रवृत्ति बढ़ती है तब तब भगवान जो है नारायण, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि यदा यदा धर्मस्या ग्लाने भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पुनः मनुज रूप धारण करके विपन्न वाले ब्राह्मण धीनु वाले गाय और जो है देवता और संत के लिए मैं पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे कल्प कल्प से चल ही रहा है सनत धर्म ऐसा जी। तो उन्होंने जो है रूप धारण किया रामचंद्र जी का और वह सबका जो है आश्रम संपत्तियों का उनका जो है नाश किया और पुण्य वाले जो देवता हैं उनके लिए अच्छा के लिए उन्होंने यह कार्य किया जी। और वहीं से रावण का भी वध किया। दीपावली जो है 5 दिनों का पर्व, ये 5 दिन का महत्व क्या है, ये दीपावली 5 दिन का क्यों मनाई जाती है? ये फर्स्ट दिन जो समझिए कि धनतेरस है, भगवान धनवंतरि जी का जो है जन्म दिवस है, उन्होंने अमृत कलश निकल के उनका 14 रत्नों में से उत्पत्ति हुई थी जी। तो धनवंतरि के दिन जो है सोना खरीदने से स्वर्ण खरीदने से बहुत महत्व है, और सोना ना हो तो जो है चांदी खरीदे, चांदी खरीदने से भी जो है सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त होती है, सोना खरीदने से गुरु का जो है बुद्धि विवेक पढ़ाई लिखाई शिक्षा इत्यादि में अच्छा रहता है, और जो है चांदी खरीदे चांदी में जो है पूरे सुख संपत्ति ऐश्वर्य घोड़ा वाहन मकान प्रेम ये शुक्र का देवता है, ये चांदी कारक है, इसलिए जो है अपनी हम माताएं बहनें सोना चांदी से ही श्रृंगार करती हैं अपने शरीर का, इसलिए इसका महत्व होता है। दीपावली पंचमी तक मनाई जाती है, और इस बार अगर देखा जाए तो लक्ष्मी पूजन का जो है वो मुहूर्त कौन सा है? इस बार लक्ष्मी पूजन का महत्व जो है गुरुवार के दिन जो माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन होगा, और जो है प्रातः जो है 7 से 9 बजे तक, अच्छा यह जो वृश्चिक लग्न स्थायी लग्न रहेगी, फिर दूसरी लग्न आती है कुंभ लग्न जी, यह जो है 1:30 से 3:30 बजे तक रहेगी, अच्छा दिन अच्छा, में जी यह स्थायी लग्न है जी। तीसरी लग्न आती है वृषभ लग्न, अच्छा यह स्थायी लग्न है, वृषभ लग्न में क्या है कि सुख संपद जाए सुख दिख माँ भक्ति गोधूले बेला में ही, अधिकतर नियम है कि गोधूले बेला में ही वृषभ लग्न का आगमन होता है, उस समय जो है वो धूली मारे गाय की धूली चलती हुई लक्ष्मी आती है, माने उसका कोई मथाए नहीं है लक्ष्मी दिखती नहीं है, ऐसी ऐसी लक्ष्मी विद्यमान रहती है, और जितना भी धन खर्च करता है जीव उतना भी लक्ष्मी बढ़ती है, ऐसी लक्ष्मी की श्री प्राप्त होती है जीव को, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा करते हैं शाम समय में, उनके कई जन्म जन्मांतर तक पुत्र पौत्र जो है सुखपूर्वक माँ लक्ष्मी की जो है कृपा बनी रहती है। विधिवत पूजा अर्चना अगर करनी है तो किस क्या क्या सामग्रियां लगती है, अगर हम विधिवत लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं घर में तो किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? अब विशेषकर जैसे घर में कुकू है, चावल है, हल्दी है, केसर है, अबीर गुलाल सिंदूर अष्टगंध मौली धागा सुपारी चंदन जी, हल्दी गांठ, ये तो नॉर्मल चीज है जी। इसके अलावा गौरी गणेश का पूजन, फिर कलश पूजन, फिर अगर कोई विद्वान पंडित मिल जाए तो जो है षोडश मात्र का पूजन कराएं जी। फिर साक्षात श्रीराज लक्ष्मी का पूजन होता है, अच्छा। वह पूजन हो, फिर नवग्रह पूजन हो जी। फिर जो है कुबेर जी का पूजन हो, और स्याही दवाद में कलम में जो है शक्ति का पूजन होता है काली जी का, और जो लक्ष्मी जी का पूजन तो होता ही होता है, और सरस्वती के पुस्तक में पूजन होता है कि बाप के मुख में सरस्वती का वास हो, कंठ में निवास हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका परिवार बड़ा तो है ही है ना, बिना जो है महाकाली महा शक्ति स्वरूप हो गई लक्ष्मी जो है ये बिना इनके कुछ नहीं होता, तुम बिना यज्ञ न हो गए वस्त्र ना हो पाता, और सरस्वती वाणी है तो काली कौन है कि परिवार कुटुंब शक्ति, ऐसा बिना शक्ति के कुछ नहीं होता है, तो काली माने कलम नहीं, पहले के जमाने में लिखवा लेते आदमी, अगर लिख गया जो वही माना जाता है जी। स्टाम्प का वही माना जाता है, बाकी कुछ नहीं माना जाता है, और लक्ष्मी माने पैसा, जैसे माने आपके पास शक्ति तो है, आप पैसे वाले हैं तो आप जो बोलेंगे लोग बोलेंगे भाई सही बोल रहा है, अब आपके पास पैसे नहीं है कुछ सही बोल रहे हैं आप सतमार्ग बता रहे हो बोलेंगे तो पागल ऐसे है, ऐसा है माने शक्ति के साथ साथ लक्ष्मी हो और लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती हो,
ऐसा है वो, तो तीनों सुहागा हो जाते हैं ऐसा। इसलिए जो है सही मुहूर्त में पूजन पाठ करने से तीनों की कृपा होती है। और फिर साक्षात कुबेर का पूजन करें ऐसा, उत्तर दिशा में कुबेर के पूजन हो ऐसा जी। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणपति बाबा की भी पूजा की जाती है लक्ष्मी दीपावली के दिन और लक्ष्मी पूजन के दिन, इसका क्या महत्व है? अब क्या है कि गणेश जी जो है आदि गणेश है, गणेश जब लय हो जाता है पृथ्वी का तब भी गणेश ही रहते हैं पांच देवता। गणेश जी का माने शंकर जी की ही विवाह में स्वयं गणेश जी की पूजन हुई है ऐसा जी। तो गणपति को वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में गणपति जी को पहले पूजा जाता है, सारे भगवानों से पहले उन्हें पूजा जाता है और किसी भी शुभ कार्य के अवसर पर भी गणेश पूजन किया जाता है। विधिवत पूजा अर्चना की जब बात आती है तो किस तरह से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए दीपावली के दिन? दीपावली के क्या विधान है इसका? विधान इसका यह है कि बढ़िया बढ़िया आप सामग्री मंगा लीजिए, इसके पास बैठ जाइए पवित्र मन करके और जो है गंगा जल से सभी सामग्री शुद्ध कर लें जी। इसके पहले गाय के जो है मूत्र से पूरे घर को शुद्ध पवित्र कर लें। अच्छा। गोबर से लिपें, यहाँ पूजन करना हो गोबर से लिपना चाहिए। अच्छा अच्छा, गोबर से लिपने से ही सही शुद्ध लक्ष्मी प्राप्त होती है। अच्छा ऐसा ऐसा जो है श्री लक्ष्मी का जी, क्योंकि गावों में गाय में ही सभी देवताओं का वास है जी। ऐसा है शाम के साल समय उसके ऊपर चौंग पूरे बढ़िया रंगोली इत्यादि बना करके पाटा बिछाएं, फिर लाल कपड़ा, लाल कपड़े में चावल में स्वास्थ्य बनाएं, स्वास्थ्य में गणेश जी अष्टदल बनाएं, उसमें कलश स्थापित करें ऐसा, और श्री लिखें उसमें लक्ष्मी जी का स्थान दें और ओम लिख करके उसमें जो है कुबेर देवताओं का स्थान दें ऐसा। ये सारी विधि है, उनकी सामग्री है आने जो है कौड़ी है, गोमती चक्र है जी, और जो है भोज पत्र है, कमलगट्टे हैं, मंजिष्ठ है। किन बातों का ध्यान रखना पंडित जी बहुत जरूरी है लक्ष्मी पूजन के दौरान? लक्ष्मी पूजन के दिन जो है उस दिन विशेष रूप से सावधानी बहुत अनिवार्य है जी, पवित्रता जरूरी है जी, क्योंकि माँ जो है पवित्रता में ही आती है जी, जी। भाई आपके पास सब कुछ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र पावा, आपके पास सब कुछ वैभव संपदा सब कुछ है जी, लेकिन पास मन नहीं है तो सब व्यर्थ जी, है ना जी। भाई आप डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं और पंडित हैं या कि जो है बड़े लक्ष्मीपति हैं, है ना जी, माँ लक्ष्मी कृपा है आपके ऊपर जी, पर आपका मन अच्छा नहीं तो सब व्यर्थ है। वो तो बात, इसलिए मन कहाँ शांति कहाँ प्राप्त होती है भगवान नारायण की पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से ही लक्ष्मी की शुद्धि होती है जी। नहीं तो कुछ दिन आप लक्ष्मी जोड़ लोगे और एक साथ लक्ष्मी में फिर सब चले जाएगी साथ लेकर जी जी। धनतेरस से शुरुआत होती है पंडित जी, धनतेरस के दिन क्या कहा जाता है कि कई लोग सोना खरीदते, जिनकी क्षमता सोना खरीदने की नहीं वो चांदी खरीदते, जैसे आपने कहा कई लोग चांदी खरीद नहीं सकते हैं तो घर का कोई भी सामान, तो ऐसी कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन जिससे हमारे घर में ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो? अब सुख शांति के लिए जो है घर में चीजें जैसे कि अन्नपूर्णा से संबंधित जो भी आपके किचन में वस्तु लग सके जी, थाली है, बर्तन है, चम्मच है जी, है ना, या कि भगवान के बर्तन आप लें हाँ, ऐसा अरे घर से जो जी, रोज की चीजें हैं जी, जो आपको लगने चाहिए वो जरूरी है। अच्छा ऐसा जी। इसके साथ साथ कई लोग गाड़ी भी लेते हैं, कई लोग इन चीजों का भी जो खरीदी करते हैं, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? धनतेरस के क्या है कि भगवत कृपा है धनवंतरी जी की, उस दिन आप पैसा निकालें खर्चा करें। भाई पैसा क्या है कि अधिक पैसा जिसके पास है वो विष के समान है जी। भाई पैसा आपके पास अधिक है उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं क्या फायदा जी, पैसा जी, क्योंकि भगवान ने सार आया है कि समझिए आपके पास पैसा बहुत है, आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, आपका पैसा भाई नहीं हो वही समझो आपके पुत्र का पैसा है, उसके लिए आप जोड़ के रख रहे हो। शास्त्र में कहा गया है कि आप स्वयं पुरुषार्थ करें और दसवां हिस्सा तदशांसम माने 1,00,000 रुपये आपने कमाया 10,000 रुपये धर्म कर्म में लगाएं ऐसा जी, और अपने चीज़ों के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं पूजा पाठ की सुख की ऐश्वर्य की उन चीज़ों को आप जो है कदापि सुख के लिए पैसे का त्याग नहीं करना चाहिए, खर्चा करने चाहिए आदमी का।
कंजूसी नहीं करना चाहिए जी जी। किन मंत्रों का जाप करना चाहिए दीपावली के पूजन के दौरान? दीपावली के पूजन के दिन जो है महालक्ष्मी का विशेषकर आराधना करना चाहिए। अच्छा। बढ़िया रक्त साड़ी पहनने, घर की लक्ष्मी जी 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण होकर के और लक्ष्मी की आराधना करें। श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिदा प्रसिदा श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं श्री नमः तदस्याविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजन विशाकंता विद्य सौदामणि यथा, अनेकों प्रकार के लक्ष्मी की जी के मंत्र हैं। नहीं छोटा ओम श्रीं श्री नमः ये सबसे छोटा मंत्र इसका जप कर सकते हैं जी जी। इसने को जो है विशेषकर माँ लक्ष्मी का ही जाप करना चाहिए जी। लक्ष्मी कुबेर गणेश ऐसा न दुर्गा जी, बाकी हवन इत्यादि नहीं करना चाहिए जी। अच्छा। क्योंकि वो स्वयं हवन कुंड जो है वह स्त्री युक्त है। अच्छा। स्त्री पुरुष है। अच्छा। और हवन कुंड हाँ। भाई वो भी साक्षात उनमें योनि मनाई गई है हाँ। और स्त्री का संज्ञा दी गई है। अच्छा। तो आजकल स्त्री देखती है हवन करते हैं जनेऊ पहनते हैं हाँ। वही जो है सनातन धर्म के विरुद्ध है। अच्छा। नहीं धारण करना चाहिए। अच्छा। दीपावली पांच पर्वों का त्यौहार है, जैसे कहते हैं कि पहला दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीय। ये पांचों का अलग अलग महत्व होगा पंडित जी। जैसे आपने धनतेरस का बताया, दीपावली का बताया, ये नरक चतुर्दशी और उसके बाद जो गोवर्धन जी की पूजा जो होती है, ये पांचों का दिन क्या महत्व रखता है? नरक चतुर्दशी जो है शंकर जी को जो है तुलसी चढ़ती है, विष्णु जी को बिल पर चढ़ती है। अच्छा। ऐसा तो इसमें क्या है कि पूजन पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं जी। तो जीव नरक यातना नहीं भोगता है। अच्छा। ऐसा इसे नरक चतुर्दशी तो बोलते हैं। अच्छा। ऐसा रामेश्वर रामेश्वरम, भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें, दोनों को जो है जी। चढ़ती है। यम द्वितीया, यम द्वितीया माने यम यातना ना हो। अच्छा। इसलिए दक्षिण दिशा में जो है सरसों का तेल लगाएं और यम जी की आराधना करें कि हे यम देवता, और जो है लोह की चीज वह दान करना चाहिए, पीतल से माने स्टील से बनी हुई लोह संबंधित, उसे दान करने से हम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। आठ प्रकार के तिल रहते हैं, तिलों का दानों में सबसे बड़ा महत्व माना गया है, तो तिल दान करने से हम यातना नहीं भोगते जी। अच्छा। ऐसा। अच्छा जी जी। दीपावली के दौरान कई लोग दान धर्म भी करते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है, इसके पीछे क्या वजह कि क्या दान धर्म करना चाहिए क्षमता के अनुसार? जरूरी नहीं कि हम दर्शकों को करना ही चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। अब इसमें क्या है कि चीटी मकोटी माने जो है 84 लक्ष योनियां हैं। अच्छा। सभी योनियों को संतुष्ट करना पड़ता है, ये पर्व है जी। जब जो है रामचंद्र जी सभी का जो है कल्याण किए, माने राक्षसों का वध किए और इसके बाद जब आए तो वहाँ पर नगर में बड़े उत्सव हुआ, उसमें जो है अनेक प्रकार के व्यंजन सब बने, तो चीटी से लेकर के हाथी तक भोजन किए। ऐसा है तो सबको भोजन होना चाहिए। ये सब अंश जीव अविनाशी, सबके आत्मा में परमात्मा वास है। ऐसा है वह अपने जो है विष्णु जी ने 24 अवतार धारण किए, उसमें दत्तात्रेय जी के भी विवरण आया है, उन्होंने 24 गुरु बनाया, तो सबके जो है अंश में ईश्वर का वास है, इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए जी, जी, और सभी को संतुष्ट करना। माने जब आप कितना भी मिठाई खा लेंगे हाँ। कितना भी फल खा लेंगे पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, जब भोजन करेंगे तभी तृप्त होगी। ऐसा जी, जी, तो अन्नपूर्णा माने अन्नपूर्णा नारायण का वास है। पंडित जी आप हमारे दर्शकों से दीपावली के इस खास पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस खास पर्व यही है कि विषय की सभी लोग जो है बड़े उत्साह से दीपावली पर्व मनाएं, क्योंकि समझिए एक एक जो है वर्ष आप मना रहे हैं कि मैं इतने वर्ष का हो गया, ये सोचिए इतने वर्ष मैं घट रहा हूँ, मेरी आयु क्षीण हो रही है, इसलिए जो भी आपको एक घड़ी आधी माँ पुण्या तुल्ही संगत साथ की करे कोट अपराध, अर्थात संगत अच्छी करें, है ना, और जितना हो सके उतना भगवान का भजन करें पूजन करें। दिन में जो है 24 घंटा होते हैं दिन रात मिला करके, तो 24 घंटा में 24 मिनट परमात्मा का चिंतन पूजन पाठ करेंगे, उससे जो है आत्मा को ज्ञान होता है। जैसे आपकी आत्मा है ऐसे अपन लोग भोजन करते हैं अनेकों प्रकार से व्यंजन, वैसे आत्मा जो है ज्ञान का भोजन करती है जी। ऐसा जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो दर्शकों आज हमारे साथ है पंडित हरिशंकर शास्त्री जी, और इन्होंने जो विधिवत पूजा की जो विधि बताई और जो विधान बताया
आप उसको फॉलो करके इस बार दीपावली पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। बस इतना ही कहूंगी कि कोविड काल जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोविड काल अभी चल रहा है। बस थोड़ी सी जिंदगी जो हुई है वो नॉर्मल हुई है, लेकिन आपको सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनों के साथ इस त्यौहार को खुशी से मनाइए, उत्साहपूर्ण मनाइए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जैसे कि ये त्यौहार जो है बहुत खास है और इस त्यौहार को खास आप ही बना सकते हैं अपना और अपनों का ख्याल रखकर। तो वीकेबी की तरफ से, वीकेबी की पूरी की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।